हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अबॉर्शन एंड मिसकैरेज। ये हम थर्ड स्टूडेंट के लिए है। स्टार्ट करते हैं, अबॉर्शन क्या होता है। डेफिनेशन, अबॉर्शन इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम द यूट्राइन वॉल विद और विदाउट पार्शियल और कंप्लीट एक्सपल्शन फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी। मतलब अबॉर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, अबॉर्शन इज द प्रोसेस, मतलब अबॉर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन, मतलब आधे तरीके से, अधूरे रूप से, या फिर कंप्लीट सेपरेशन मतलब पूरी तरीके से सेपरेशन, मतलब अलगाव हो जाता है किसका, ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्शन, मतलब उन कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट्स का फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, मतलब यूट्राइन वॉल मतलब गर्भाशय की दीवार से विद और विदाउट पार्शियल और कंप्लीट एक्सपल्शन, मतलब गर्भाशय की दीवार के साथ या उसके बिना, पार्शियल मतलब अधूरे रूप से या फिर कंप्लीट मतलब पूरे तरीके से, एक्सपल्शन फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी, एक्सपल्शन मतलब बाहर हो जाना, कहाँ से, फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी मतलब गर्भाशय की गुहा से, बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी। और कब ऐसा होता है, जब जो हमारा फीटस होता है, हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो कितने वीक का होता है, 28 वीक्स ऑफ एज के पहले। तो अबॉर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधूरे रूप से या पूरी तरह से जो हमारे कंसेप्शन प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, कहाँ से, यूट्राइन वॉल के साथ या उसके बिना, या कम्प्लीटली पूरे तरीके से या फिर अधूरे रूप से एक्सपल्शन हो जाता है, मतलब जो हमारा कंसेप्शन प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपल्शन हो जाता है, मतलब वो बाहर हो जाते हैं फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी, कहाँ से, गर्भाशय की गुहा से, और कब, बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी, मतलब वायबिलिटी का मतलब है 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के पहले। तो ये थी डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में सबसे पहले है ओवुलर या फीटल फैक्टर्स। ओवुलर और फीटल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अबॉर्शन के लिए। ग्रॉस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, अगर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो गया है एनाटोमिकली रूप से, तब भी अबॉर्शन हो सकता है, या फिर ओवम विदाउट एम्ब्रियो, या फिर जो ओवम होगा उसमें एम्ब्रियो नहीं बना होगा, या फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा ओवम के साथ, या फिर इंटरफ्रेंस विद द सर्कुलेशन इन द अम्बिलिकल कॉर्ड बाय नॉट्स ट्विस्टेड और मे कॉज डेथ ऑफ फीटस एंड इट्स एक्सपल्शन, या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके सर्कुलेशन में क्या हो रहा होगा, इंटरफ्रेंस हो रहा होगा बाय, किसके द्वारा, हो सकता है उसमें नॉट्स हो गए हों, नॉट्स मतलब उसमें गांठे पड़ गई हों, ट्विस्टेड मतलब क्या है, उसमें मोड़ आ गए हों, या फिर और मे कॉज डेथ ऑफ फीटस। तो अगर नॉट्स और ट्विस्टेड वगैरह हो गए हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में तो मे बी क्या हो सकता है कि जो फीटस होता है वो डेथ हो सकता है एंड इट्स एक्सपल्शन। अगर फीटर डेथ हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक्सपल्शन हो जाएगा, मतलब वो बाहर आ जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन बोलेंगे। दूसरा है मैटरनल इलनेस। मैटरनल इलनेस की वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है, जैसे इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वो कोई सा भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में रूबेला वगैरह हो गया, पैरासाइटिक मलेरिया वगैरह हो गया, अगर मदर को ऐसा कुछ हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग कंसेप्शन, तो हो सकता है कि उसका अबॉर्शन हो जाए, या फिर मैटरनल हाइपोक्सिया एंड शॉक, या फिर जो मदर होगा उसको हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, या फिर वो शॉक में हो चली जाएगी, अगर शॉक और हाइपोक्सिया है तो मे बी हो सकता है उसका अबॉर्शन हो जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, जैसे एक्यूट रिस्पायरेटरी डिसीज, अगर मदर को एक्यूट रिस्पायरेटरी डिसीज है तो उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा और वो शॉक में चली जाएगी और उसका अबॉर्शन हो जाएगा, अगर मदर को हार्ट फेलियर वगैरह है तब भी उसको हाइपोक्सिया और शॉक हो सकता है, सीवियर एनीमिया है तो उसको हाइपोक्सिया और शॉक हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बेबी है उसका अबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉनिक इलनेस। मैटरनल हाइपोक्सिया एंड शॉक या फिर मैटरनल इलनेस के अंदर आते हैं क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस में जैसे अगर मदर को क्रॉनिक मतलब अधिक या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, जैसे कि हाइपरटेंशन, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, ये प्रॉब्लम्स हैं मदर को, तो मे बी उसको क्या हो सकता है, मिसगैरेज हो सकता है।
इंडोक्राइन फैक्टर्स जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अबॉर्शन के लिए। जैसे अगर किसी मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म या पर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसमें क्या होता है, हाइपो में जो थायराइड की मात्रा होती है वो कम हो जाती है थायराइड हार्मोन्स की, और हाइपर में क्या होती है थायराइड की मात्रा जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है हार्मोन्स को। तो अगर किसी मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो मे बी उसको चांसेस है कि उसको अबॉर्शन हो सकता है, उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रॉमा, अगर मदर को कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गया, गिर गई, मदर गिर गई, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसके अब्डोमेन में, कुछ लग गया, इंजरी हो गई, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। टॉक्सिक एजेंट्स, नेक्स्ट है टॉक्सिक एजेंट्स। टॉक्सिक एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे जिसमें एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आते हैं, जैसे कि लेड हो गया, मदर टमोको ले रही है, लेड वगैरह उसके रेगुलर लाइफ में है, इनहेल कर रही है, या फिर अल्कोहल ले रही है, या फिर किसी रेडिएशन एरिया में रहती है, एक्सेस अमाउंट उसको रेडिएशन में मिल रहा है, तो उसकी वजह से मे बी उसको अबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, अगर मदर का ब्लड ग्रुप में इनकम्पैटिबिलिटी है, आरएच फैक्टर्स निगेटिव या फिर पॉजिटिव निगेटिव है, तब भी हो सकता है, एक कंडीशन आती है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, जो मदर का आरएच फैक्टर्स होते हैं, आरएच ग्रुप होता है, वो निगेटिव होता है, जिसकी वजह से उसको क्या बेबी को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ब्लड ग्रुपिंग इनकम्पैटिबिलिटी है तो तब भी उसको अबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स आल्सो लीड टू अबॉर्शन, अगर मदर का प्री मेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन्स होती है, वो प्री मेच्योर मतलब पूरी तरीके से वो मैच्योर नहीं है और वो रप्चर हो गई है, टूट गई है, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। कुछ नेक्स्ट है डाइटिक फैक्टर्स, कुछ डाइटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन दिस डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड और विटामिन सी इज ऑफन हेल्प पॉसिबल। अगर कोई भी मदर है और उसको फॉलिक एसिड डिफिशियंसी हो गई, फॉलिक एसिड की मात्रा कम हो गई है, फिर विटामिन सी की कमी हो गई, तो उसमें मे बी पॉसिबिलिटी है कि उसको अबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो मैटरनल फैक्टर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पैटर्नल फैक्टर्स, मतलब पिता से होने वाले प्रॉब्लम्स की वजह से भी अबॉर्शन होता है, जैसे कि डिफेक्टिव स्पर्म्स, अगर स्पर्म्स डिफेक्टिव हों, वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो नहीं मतलब स्पर्म ही जाके नहीं फर्टिलाइज हो रहे हैं ओम के साथ में, तो मे भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, डिफेक्टिव स्पर्म की वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोजोम्स ऑफ द ओम, या फिर जो पैटर्नल के क्रोमोजोम्स हैं वो जो मतलब होते हैं, तो उस टाइम पे जैसे कि 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, तो जो फादर के, तो अगर हो सकता है कि जो ओवम हो, जब वो फर्टिलाइज हो रहा हो, तो उसको 23 या 21 क्रोमोजोम्स ही उसको मिल पा रहे हो, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो बेबी होता है उसका मिसकैरेज हो जाता है या फिर अबॉर्शन हो जाता है। उसके बाद कुछ अननोन फैक्टर्स भी हैं, द कॉमन नोन कॉजेज हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और मिड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, डिफेक्टिव जर्म प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा वगैरह जर्म वगैरह डिफेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। हार्मोनल डिफिशियंसी, अगर हार्मोन्स की कमी वगैरह है, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। ट्रॉमा वगैरह है, वो भी उसकी वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद मिड ट्राइमेस्टर, बीच के ट्राइमेस्टर में क्या हो सकता है, मतलब ट्राइमेस्टर मतलब थ्री मंथ को हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी कंसीव होने के 3 महीने तक। मिड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, जैसे यूट्राइन मालफॉर्मेशन, जो यूट्राइन है उसमें मालफॉर्मेशन हो, कोई रुकावट, कोई अवरोध, कोई प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। लो इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा, या फिर जो प्लेसेंटा है उसका सही से इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, या फिर ट्विंस एंड हाइड्रोमिनोज, कभी कभी ट्विंस और हाइड्रोमिनोज होने, ओलिगोहाइड्रोमिनोज, पॉलीहाइड्रोमिनोज होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये थे बच्चों इटियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स है, जिसमें कि नेक्स्ट है टाइप्स, तो टाइप्स भी या फिर क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो मेनली जो अबॉर्शन होते हैं उसको क्लासिफाई किया गया है, 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। फिर स्पॉन्टेनियस को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया, आइसोलेटेड और रिकरेंट, और इंड्यूस्ड को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया, लीगल और इलीगल। लीगल मतलब MTP और इलीगल मतलब क्रिमिनल। उसके बाद जो इलीगल की वजह से कभी सेप्टिक अबॉर्शन भी हो सकता है, क्योंकि इलीगल के तरीके से लोग करवाते हैं अबॉर्शन, तो मे बी सेप्टिक होने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है रिकरेंट को 6 भागों में डिवाइड किया गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनवेटिबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन और सेप्टिक अबॉर्शन। तो इसको हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं और टाइप्स भी बोल सकते हैं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।